हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर आर्यन तिवारी, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा नर्सिंग का प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट हो रहा है, जो कि बहुत ही दिनों से हम लोग उसके इंतज़ार कर रहे थे और आज फाइनली स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि आज से हमको पूरा मतलब हॉस्पिटल का पूरा रियल में सब कुछ देखने मिलेगा। जैसे नर्सिंग की कुछ होती है ना, हम लोग प्रैक्टिकल जैसे थियरी करते थे, उसको आज हम लोग सब कुछ प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके लिए हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों, हम लोग अभी निकल चुके हैं हॉस्टल से और वहीं पर जा रहे हैं जहाँ पर हमको जाना है, मतलब जहाँ पर नर्सिंग की प्रैक्टिकल क्लास होनी है। और हम लोग अभी ट्रैम के स्टॉप पर हैं, ट्रैम का वेट कर रहे हैं, ट्रैम आएगी और हम लोग उसी से जाएंगे। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ट्रैम, उसी से हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं रोज, हम इंडियन स्टूडेंट्स। तो बस हम लोग अभी वहीं पर उसका वेट कर रहे हैं और बने रहिए इस वीडियो में, आपको आगे चल के बता दे रहूँगा कि आज हमारा नर्सिंग की प्रैक्टिकल और थियरी कैसे रहेगी। दोस्तों, अब हम लोग ट्रैम में बैठ चुके हैं, अभी यहाँ से हम लोग थियरी बिल्डिंग जा रहे हैं जहाँ पे नर्सिंग क्लास होनी है। और देख सकते हो कि यहाँ पे जब हमारा ट्रैम है, पहुँच चुके हैं यहाँ से। अभी हम लोग थोड़े वॉकिंग डिस्टेंस पे थोड़ा चलकर आगे चलेंगे और थियरी बिल्डिंग पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्लास में जा रहे हैं, क्लासरूम के अंदर। आर्यन तिवारी ऑफिशियल, और ये है आर्यन तिवारी। आज मैं होस्ट करने वाला हूँ, बोलना। ये अपना अभिषेक भाई, नागपुर का बंदा है। बहुत बढ़िया, आज हमको पट्टी मंगाया गया। और ये कहाँ का है ये यार? तो दोस्तों, अभी हमारा
ये अलग क्लास हो चुका है नर्सिंग की प्रैक्टिकल, अभी हमें हॉस्पिटल भी जाना है, तो अभी मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ यहाँ से। और अभी हमारा चार पाँच घंटे यहाँ पे हॉस्पिटल में ड्यूटी लगेगी। और जो हमारे साथ हमारे सीनियर है, मतलब यहाँ के जो हॉस्पिटल में वार्ड या फिर कोई भी नर्स है, उनको हमें हेल्प करना, उनके साथ हमें थोड़ा कोऑर्डिनेट करना है, वो जो जो करेंगे हम उनको ऑब्जर्व करना है इस बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में, आगे मैं आपको बताते रहूँगा। हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, ये देखिए यहाँ का हॉस्पिटल है। अब यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे और देखते हैं आप क्या क्या करवाएंगे, क्या क्या होता है आज। तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको आगे के थोड़ा अपडेट कर देता हूँ। अभी 3 बजे की टाइमिंग दी गई है, अभी यहाँ पर भी 20 मिनट बाकी 3 बजने में, 3 जैसे बज जाएगा वैसे यहाँ पे हॉस्पिटल के जो भी इंचार्ज हैं हमें पिकअप करने आएंगे, और जहाँ पे जो करना है वहाँ पे हमें लेकर जाएंगे। और बाकी सब यहाँ पर हमारे इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं, देखो हमारे इंडियन फ्रेंड्स को वेट कर रहे हैं, ये देखो सब इंडियन फ्रेंड्स यहाँ पे वेट कर दोस्तों। 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका है अभी, और यहाँ पर अभी तक पेशेंट केयर के बारे में सिखा रहे थे, बेसिक पेशेंट केयर, जो मतलब पेशेंट की केयर कैसे करते हैं और बेडशीट कैसे चेंज करते हैं और उनको खाना कैसे खिलाया जाता है, ये सब अभी तक बताया गया है। और अभी तो और थोड़ा समय है इसमें, 2 घंटे हो गए हैं, इसलिए मुझे बैठने के लिए पता है, उसके बाद अभी दूसरी जगह लेके जाएंगे। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है आज, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हॉस्पिटल बेस्ड एक्सपीरियंस मिल रहा है, और यहाँ के पेशेंट्स के साथ थोड़ा इंटरेक्शन करने में अच्छा लग रहा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर फाइनली आज हमारा नर्सिंग का प्रैक्टिकल क्लास कंप्लीट हो गया। मैं अब अपने घर भी आ गया हूँ रिटर्न, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ पर, जैसे पेशेंट को कैसे खाना खिलाया जाता है, और फूड पेशेंट के घर से कुछ, मतलब वो घर वाले उनको कुछ सामान भेजते पेशेंट के लिए, उनको उनके रूम तक कैसे पहुँचाया जाता है वो भी सिखाया गया, और पेशेंट को एम्बुलेंस में कैसे बैठाया जाता है, उनको व्हीलचेयर पे कैसे लेके जाया जाता है, सब कुछ सिखाया गया। और काफ़ी कुछ इंटरेक्शन भी हुआ था पेशेंट के साथ, वो भी बहुत अच्छा था। और ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पे ऐसा अलाउड नहीं था हमको वीडियो बनाने का, और बस अपने एक्सपीरियंस वैसे बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा था वहाँ पर, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ देखने को मिला, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को दबा देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।